हेलो गाइज, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। खेत में 200 किलो की तिजोरी छोड़ के भागे चोर, क्या है ये पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूना के सिलाई वार्ड नाम की एक कंपनी में एक्चुअली में कुछ दिन पहले एक 200 किलो की तिजोरी जो है वो गायब हो गई। बोला जा रहा है कि ये तिजोरी चोरों ने मिलकर गायब की है और ये तिजोरी इतनी ज्यादा हैवी थी और उसी के साथ इतनी ज्यादा बड़ी थी कि तिजोरों ने, जो चोर है, उन्होंने सोचा कि इस तिजोरी में काफी सारी चीजें होंगी। उस दौरान ही उन्होंने वहां पर इस तिजोरी को खोला नहीं, नजदीक ही वो घसीटते हुए खेतों तक ले गए और वहां पर जाके तिजोरी को खोलने की कोशिश की। जो वो खेत था वो गणेश नाम के एक व्यक्ति का था और उस वक्त सुबह सुबह 3 या 4 बजे एक्चुअली में इस तिजोरी को खोलने की कोशिश की जा रही थी और जो गणेश थे, जो कि उस खेत के मालिक थे, जो कि गन्ने का खेत था, वो वहां पर पहुंच गए और जो चोर थे जो कि तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे वो वहां से रफू चक्कर हो गए। गणेश ने जैसे ही इस 200 किलो की चोरी, इस 200 किलो की तिजोरी को देखा तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस वालों को सूचना दी और पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचे तो वो मामला समझ गए कि यहाँ पर पूना में सिलाई वार्ड नाम की कंपनी में जो 200 किलो की तिजोरी की जो चोरी हुई है ये वही तिजोरी है। और जब तिजोरी को खोल के देखा तब उसमें से 1.36 लाख रुपीज बरामद किए गए और अभी उस कंपनी के मालिक को बुलाया गया है और बोला जा रहा है कि कम से कम इस तिजोरी को चोरी करने के लिए 8 लोगों ने साथ दिया होगा और उन चोरों को जाने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।